के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 5/10/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग मीठे मीठे पतितों को पावन बनाने वाले, हम बच्चों को भी पावन दुनिया में ले चलने वाले पतित पावन बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि विकारों का सन्यास करना माना पवित्र बनना, तो सन्यासी माना पूरे पवित्र और फिर पक्के योगी। प्रश्न है कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं, वो कौन सी घड़ियां होती हैं अवस्था की? उत्तर है जब मेरा पति मेरा बच्चा इस मेरे मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। हाँ, मेरा मेरा जो कहते रहते हैं ना, उससे जब बुद्धि योग टूट जाएगा और मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई ये बुद्धि में पक्का होगा और एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत बजा है कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए अर्थात ज्ञान के सुर सुनाने के लिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार हैं दो बातें। एक बात, इस पुरानी दुनिया का बाबा कहते हैं कंप्लीट सन्यास करना है, ऐसे नहीं थोड़ा 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 सन्यास करें, नहीं बाबा कहते कंप्लीट सन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में, एक तो पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मन वचन कर्म से, और फिर योग की सब्जेक्ट, पवित्रता की सब्जेक्ट और योग की सब्जेक्ट, उसमें फर्स्ट नंबर लेना है। तो योग में फर्स्ट नंबर माना मेरा तो एक शिव बाबा, सिर्फ एक बाबा को याद करें और उसी को मेरा कहें। नंबर दो धारणा की बात है, ज्ञान गंगा बनकर पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। कहते हैं ना गंगा पतित पावनी है, पर वो कौन सी गंगा? जो ज्ञान सागर शिव बाबा से निकली हुई हम ज्ञान गंगाएं, मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। बाबा कहते छोटी छोटी नदी नहीं बनो, बड़ी नदी बनो जिसमें अनेक लोग आकर के स्नान करे। वरदान है एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए एक की याद में रहने वाले, सहज योगी भव। कितनी अच्छी बात बाबा कहते हैं, एक बाप में हमारा सारा संसार समाया हुआ रहे तो याद, फिर किसी को जिसको भी याद करेंगे वो बाबा की याद है क्योंकि सर्व संबंधी बाबा के साथ है। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, ऐसे ट्रस्टी बन, डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई ना। आधा कल्प मेहनत की, अब बाप मेहनत से हमें छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी ही कमजोरी, अपनी ही कमी है, अपनी ही कमजोरी है। स्लोगन है महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को
धर्म अर्थात धारणा, पवित्रता की धारणा को जो जीवन में उतारते हैं, लाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आपको गीत की दो लाइन सुनाती हूँ, क्योंकि आज मुरली में बाबा ने कहा संसार मेरा बाबा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, तो उस पर जो गीत बनाया था मैंने, जो सभी जानते हैं, तो आप भी आज सुन लें। दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। ओम शांति, ओम शांति।